आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी माताएं बहनें, यहाँ पे आज जो प्रोग्राम होना था 17 तारीख को बारिश के कारण स्थगित हुआ। सब लोगों को एक बड़ी मायूसी हुई, बड़ी तैयारी थी, फिर मीटिंग रखी गई, दोबारा ये आज मीटिंग हुई। ये कोई कमजोर मीटिंग नहीं है, हमारे पे वो व्यवस्थाएं नहीं है जो सरकार कर देती है। ये इतनी मीटिंग है कि इसके आप चार मीटिंग कर सकते थे। भाई यहां पॉलिटिकल वाले क्या करते हैं कि यहां से ऐसे लगा देंगे, वहां से ऐसे करनाथ लगा देंगे, वहां से ऐसे लगा देंगे, कुर्सी पे बैठा देंगे, तो इसी कोई मीटिंग को छह गुणी बना देंगे। बहुत बड़ी तादाद में मीटिंग है और यहां से तो वे जिम्मेदार लोग, आप सब लोग आए जिनके पीछे गांव समाज, आप जो बताओगे उसको लोग मानते हैं। हालात खराब है देश के, ये समझ लेना, हालात खराब है देश के। एक साल हो गया आंदोलन को, दिल्ली के अंदर एलिगेशन लगाने से अलग कोई काम वहां की सरकारें नहीं कर रही। एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते हैं, अगर सरदार वहां पे आए तो उनको खालिस्तानी बताया गया, अगर मुसलमान वहां पे आए तो पाकिस्तानी बताया गया, अगर कोई भी देश में आंदोलन करता है, अगर यहां के लोग आए तो कहने के ये जाटू का आंदोलन है। मतलब एक बिरादरी को दूसरे से तोड़ने का काम ये सरकारें करती है। इन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे करवाए, यहां पे हिंदू मुस्लिम करवाए उत्तर प्रदेश में, ये हरियाणा के अंदर गए तो जाट और नॉन जाट की राजनीति करी, ये गुजरात के अंदर गए तो पटेल और नॉन पटेल की राजनीति की, ये महाराष्ट्र के अंदर गए तो मराठा और नॉन मराठों में झगड़ा करवाया। ये तोड़फोड़ में विश्वास रखते हैं ये सरकारें। ये बिहार के अंदर गए तो लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा इन्होंने, ये उत्तर प्रदेश में आए तो मुलायम सिंह के परिवार को तोड़ा गया, ये हरियाणा के अंदर गए तो चौटाला परिवार को तोड़ा, उनके टुकड़े टुकड़े करे। ये आरएसएस के लोग अगर किसी परिवार में बैठेंगे, अगर चार भाई होंगे तो उसमें तोड़फोड़ करेंगे। इनसे बच के रहना, इनसे खतरनाक आदमी नहीं हो सकता। अभी नई भर्ती चल रही है जो मेरे नौजवान पढ़े लिखे हैं आईएएस पढ़ लिख के, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा लड़का कलेक्टर बनेगा, अब नहीं बनेगा कलेक्टर, नए आईएएस भर्ती कर रहे हैं, बगैर पेपर के आईएएस बनेंगे देश में, करीब 40 के आसपास बना दिए गए और 350 से ज्यादा और बनेंगे। जितनी भी नौकरियां हैं, अगर उन्होंने आरएसएस के ट्रेनिंग कर रखी है तो वो आदमी वहां पर नौकरी पे जाएगा। इन मंत्रियों की जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके घर पे जितने भी दिल्ली उत्तर प्रदेश में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, एक मंत्री के घर पे नागपुर से आदमी तय होता है कि वो तुम्हारे घर में रहेगा, उसके खाने पीने का इंतजाम करोगे, तुम्हारे ऑफिस में एक अलग से आदमी रहेगा। किसी मंत्री की हिम्मत ये नहीं है कि वो कोई सिफारिश और कोई फोन भी कर दे। जिन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों को घरों में बंद कर दिया हो, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी, उनसे बयान दिलवाओ। जिसने पूरे मीडिया के ऊपर हुकूमत ने कब्जा कर लिया हो, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो, उस देश में कुछ नहीं हो सकता।
पूरी संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है देश के। नशे अभी एक डेढ़ महीना पहले, दो महीना पहले एक रिपोर्ट आई, अधिकारियों से संपर्क हुआ उनका, उन्होंने कहा कि 5 ग्राम हीरोइन जो ड्रग्स है उसको रखने पे कोई कानून नहीं बनेगा। कहां ले जाना चाहते हैं देश के नौजवान को? एक अपने ही आदमी से एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डलवाई गई कि 5 ग्राम जो ड्रग्स है उसको रखने की परमिशन दे दी जाए। कहां जाएगा देश का नौजवान? 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स देश में आई, वो किस बंदरगाह पे आई? वो बंदरगाह अडानी का था। 21,000 करोड़ रुपए की एक खेप वो आदमी ला सकता है जिसके पास में कई लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी, और वो देश में गिने चुने 4 से 5 आदमी हैं। क्या ड्रग्स के नशीले पदार्थों के कारोबार में ये लोग देश में नशा फैलाना चाहते हैं? क्या भारत सरकार नशे के कारोबार को बढ़ाना चाहती है? क्या नशे से देश के नौजवान को बर्बाद करना चाहती है? अगर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तो अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाए गए। देश का नौजवान आंदोलनों से ना जुड़े, उसको तोड़ने का काम करा जा रहा है। बहुत से बीजेपी के लोग, उनकी तो सरकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि आंदोलन चला हुआ है, आंदोलन खत्म क्यों नहीं होता? बातचीत के माध्यम से खत्म हो जाना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो भगत लोग हैं, जो उस विचारधारा के लोग हैं, वो सबसे पहले अपना 10 साल पुराना ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा कर कहा कि मैं भारत सरकार के कानून को मानता हूं। ये 10 साल पुराना जो भारत सरकार एनजीटी के नाम पे कानून लेकर आई है, मैं उसको मानता हूं। ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर मैं पंपिंग सेट जनरेटर मैं नहीं चलाऊंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं चलाऊंगा, एनजीटी के भारत सरकार के कानून को मानता हूं। ये मैंने सड़क पर थाने में खड़ा कर दिया, नहीं करेगा कोई खड़ा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। कौन से लोग होंगे जो हर 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे, जो पंपिंग सेट बदल देंगे, जो घर में जनरेटर है उसको बदल देंगे? कोई नहीं है। कानून, ये 3 कानून नहीं है, एक अभी कानून आ रहा है, सीट बिल 20 कानून। नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे अब देश में, अभी तो एक ही पुलिस स्टेशन होता था। अत्याचार महिलाओं पर बढ़े तो महिलाओं का एक अलग खोल दिया गया, एक बिजली का डिपार्टमेंट खुल गया, बिजली पुलिस बनेगी, एक 20 की पुलिस बनेगी, उसके थाने खुलेंगे। जिस आदमी ने खेत में क्या चीज बोई, वो किस कंपनी से उसने बीज खरीदा, अगर वो सबूत नहीं देगा, कोई कंपनी उसके ऊपर मुकदमा करेगी, तो जुर्माना और सजा दोनों उसमें है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020, अगर किसी के घर में 2 पशु होंगे तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये है कानून। मंडी एक्ट, मंडी से बाहर खरीद होगी, ये कानून है। यहां से पूरा हरियाणा में, पंजाब में जो सेलर हैं, वो सस्ते में धान, गेहूं, बाजरा, ये चीजें खरीदते हैं, उनको स्टॉक करते हैं, मंडी के बाहर खरीद करते हैं। पूरे बिहार में 15-16 साल पहले मंडियां खत्म हुई तो बिहार के लोग तो बहुत मजबूत होने चाहिए थे। बिहार में धान आज 800 रुपया क्विंटल बिकता है। जो आज भी गेहूं है वो 1400 रुपए का उसका भाव है, बाजरे का 1100 रुपए भाव है, सरसों जब किसान के पास में थी तो 4500 रुपए क्विंटल बिकी, आज उसका तेल का भाव क्या है?
ये आंदोलन उन गरीब आदमी के लिए भी है जिनके पास में रोटी का जुगाड़ नहीं है। ये आंदोलन उसका है कि रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी जरूरत की चीज है। आपके ही केएफसी मैकडोनाल्ड ये कंपनियां होंगी, आप अगर इनसे पूछोगे कि शाम को आपका बचा हुआ भोजन कहां जाता है, जब इनकी क्लोजिंग 8 और 9, 10 बजे होती है, तो अगर एक पैकेट खुल गया और उसमें 4 गुलाब जामुन है, 2 गुलाब जामुन की बिलिंग होगी, पर्ची कटगी और 2 उसमें बचगी। जब शाम को क्लोजिंग दरवाजा बंद करते हैं तो हमने उनसे पूछा, भाई बचा हुआ सामान आप कहां देते हो? उन्होंने कहा, जो डस्टबिन में कूड़े में वे डालते हैं, कैमरे के सामने डाल लेंगे, अपने नौकर जो कर्मचारी उनके वहां पे काम करता है उसको भी 2 गुलाब जामुन वे नहीं दे सकते। ये फूड चेन की कंपनियां हैं, ये भोजन पे जिनका जो अधिकार जमाना चाहते हैं कंपनी, जो अनाज पे अधिकार जमाना चाहते हैं जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम देश में बनाए, जो रोटियों को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, ये उसका आंदोलन है। और ये आंदोलन, ये सरकार कान खोल कर सुन रही है, सरकार ये आंदोलन जब तक कानून वापसी नहीं होंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। गलत फहमी में मत रहना। तुम्हारा इलाज बंगाल के अंदर करा, जो दवाई देनी थी वो बंगाल के अंदर तुमको दवाई दी, तुमको इलाहाबाद में हरियाणा के अंदर दवाई दी। इलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी भारी गोटू से वहां पे जिस विधायक ने इस्तीफा दिया था संयुक्त मोर्चे के नाम पे, उसकी बड़ी जीत इलाहाबाद में होगी, हरियाणा के अंदर तुम्हें जहां जहां जरूरत होगी, ये किसान संगठन, ये मजदूर देश का तुम्हें दवाई देने का काम करेगा। ये गुंडागर्दी की सरकार जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म करा है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश में सरकारी बंदूक का इस्तेमाल आपने किया है, ये आने वाले टाइम पे नहीं होगा। जिस तरह से जिला पंचायत में आपने किया वो देश और दुनिया की जनता ने देखा। यही ये लोग जो आने वाले विधानसभा होंगे उसमें करना चाहते हैं, तो आप लोग तैयार रहना, दवाई इनको देनी पड़ेगी। बगैर दवाई के इनका कोई इलाज नहीं है। ये बार बार कहते हैं कि रास्ते बंद कर रखे हैं, वहां पे रास्ते बंद भारत सरकार ने किए हैं, और हमने कहा कि जब भी रास्ते खुलेंगे 11 महीने के बाद में, सबसे पहले दिल्ली जाने का अधिकार हमारा है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, और जब भी आपको दिल्ली की कॉल होगी, इनके बहकावे में, प्रेस के बहकावे मत आना, मीडिया के बहकावे मत आना, ये हर रोज आपको बहकाने का काम करेंगे कि बॉर्डर सब खाली हो गए हैं। बॉर्डर कोई खाली नहीं हुआ, बॉर्डर पे आज भी ऐसे कैसे ही लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन आपको बता जाएगा, अपना ट्रैक्टर सामान लेकर वहां पाना, हमने मंडी की तलाश कर ली है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी से बाहर आप कहीं पे भी सामान बेच सकते हो, अपनी फसलों को बेच सकते हो। हमको मंडी मिली, पार्लियामेंट के आसपास, दिल्ली के पार्लियामेंट के आसपास मंडी है, यहाँ के पुलिस स्टेशन मंडियां हैं, यहाँ का DM SSP का ऑफिस मंडी है। अगर गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिगरी, अगर उस बॉर्डर की तरफ आपने आंख उठाने की भी, देखने की जरूरत करी, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूरे पंजाब, पूरे देश भर के थाने, DM DC SP के ऑफिस में वहां पे किसान अपना माल लेकर जाएगा। जरूरत नहीं करना, अगर हमारा एक झंडा, एक कार्यकर्ता भी वहां पे है, तो पूरे देश का किसान गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिगरी उन बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आज भी बहुत जगह आंदोलन देश में चले हुए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, देश की आजादी की लड़ाई 90 वर्ष तक चली थी,
ये भी किसान मजदूर नौजवान जो साथी है उसकी आज लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये लड़ाई कहां तक चलेगी उसका कोई अंदाजा नहीं। हमने कहा कि 26 नवंबर तक आपके पास में टाइम है, 26 नवंबर तक या तो भारत सरकार किसानों से बातचीत करके समझौता कर ले, नहीं तो 26 नवंबर के बाद हमारा एक साल पूरा हो जाएगा। 27-28 नवंबर से हम अपने टेंटों की रिपेयरिंग शुरू करेंगे। हमारे टेंट जो फट गए हैं, जो चादर हैं, वे टूट गए हैं, हम उनको बदलने का काम करेंगे। अगले 6 महीने की हम अपने वहां पे जो बैठने के ठिए हैं हम उनको मजबूत करने का काम करेंगे। यह आंदोलन चलेगा लंबा, क्योंकि जिस तरह की सरकार है किसी पार्टी की सरकार नहीं है, ये सरकार है मोदी सरकार। और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के खिलाफ मुकाबला है। अमेरिका में जो वहां के किसान हैं, मैं उनको जरूर आपकी बात सुनाना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा वो हिंदी में हमने डब करवाया है, मैं एक बार उनकी जरूर आप बात सुन लेना। जो अमेरिका का किसान है वो पूर्ण रूप से आपके साथ में है, जो वहां पर संगठन हमारा काम कर रहा। एक मिनट उनकी जरूर आप बात सुनो, जो अमेरिका का किसान है। मेरा नाम मिस्टर डेविस है, मैं मिसौरी का एक रिटायर फौजी और किसान हूं। मैं भारतीय किसानों को बताना चाहूंगा कि मुझे उन पर बहुत फक्र है, उनका फैसला बिल्कुल जायज। हम भी भारत के किसानों के एकदम साथ हैं, हम उनके संघर्ष को समझते हैं और उनकी मुश्किलों को भी। हम भारत के किसानों पे बहुत गर्व करते हैं, जो अपने हक के लिए, जो अपनी इज्जत के लिए सरकार के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। मुझे फख्र होता है भारत के किसानों में। अमेरिका में तो विरोध करने के लिए किसान ही नहीं बचे। मैं भारतीय किसानों की दाद देता हूँ कि आपने अपनी आवाज बुलंद की है। मैं एक युवा किसान और एक मजदूर भी हूँ। हिंदुस्तान के लोगों को मेरा कहना है कि कायम रहो, आप जीतोगे, एकजुट रहो। मेरा भारत के लोगों को यही संदेश है कि अपना संघर्ष जारी रखो और अपनी खेत खलिहान अपने हाथ में रखो। मेरा संदेश किसानों के लिए यही है कि आप अपना संघर्ष जारी रखो, हमारी लड़ाई एक ही है, हम आपके साथ हैं। यही एक मौका है।